गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष और आज आप लोगों की गूगल मीट में ऑनलाइन क्लास भी हुई थी और बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। आदित्य है, ज्योति है, इन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। बट पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जो लिंक सेंड की जाएगी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को की जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन है। तो पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद गूगल मीट पे आपकी क्लास रहेगी। और इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस हुआ था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। जहाँ डाउट है बताइए, इस टॉपिक में डाउट हो रहा है आप मैसेज भी कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें टॉपिक डिस्कस भी हुए थे। आज की क्लास में भी टॉपिक डिस्कस हुए। स्टार्टिंग आपने स्टडी किया हुआ पॉलिन ग्रेन, एंड पॉलिन ग्रेन्स में आज ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट टू लेयर। ये पिक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं, आउटर लेयर एक्साइन, और जो इनर लेयर है इसे क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलते नहीं, एग्जिट इनसाइड। तो मे बी एज द आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन। अब यहीं पे क्या होता है, सपोज बोल दिया लेयर, अब यहीं बोल दिया भाई अच्छा आप बताइए इसमें सेल कौन कौन सी है। तो आपको पता है कि जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर होते हैं, एक एक टॉपिक को डीप स्टडी करना है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम एमसीक्यू हो गए और उसमें आंसर तब आप सही दे पाएंगे जब आपको उसका राइट आंसर क्लियर पता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेयर एक्साइन इंटाइन, सेल वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। अपर सेल क्या, वेजिटेटिव, एंड लोअर सेल एज द जनरेटिव। एंड एज द वन क्वेश्चन, गिव रीजन पॉलिन ग्रेन एक्साइन इट इज हार्ड, क्या रीजन है भाई ये हार्ड क्यों है? तो कोई ना कोई रीजन होता, पॉलिन ग्रेन एक्साइन इट इज हार्ड बिकॉज प्रेजेंट स्पोरो पॉलिनिन, ये केमिकल होता, इस केमिकल के वजह से जो एक्साइन है एक्साइन बिकम हार्ड, देन इंटाइन इनर लेयर एंड प्रेजेंट सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो मे बी एज द टू पॉइंट्स एक्साइन, सेकेंड पॉइंट इंटाइन, थर्ड कंडीशन वेजिटेटिव एंड फोर्थ कंडीशन जनरेटिव। बट ये दोनों यहाँ पे क्या सेल हैं और ये दोनों यहाँ पे क्या लेयर हैं। ओके, तो यहाँ फोर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियर हुए, यहाँ पे लेयर एंड सेल, लेयर कौन कौन सी है एक्साइन इंटाइन, सेल कौन सी है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, एंड वन कंडीशन गिव रीजन। अब यहाँ पे सपोज बोल दिया गया कि जनरली हम बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स इट इज़ टू सेल कंडीशन, टू सेल कंडीशन। बट सपोज बोल दिया गया कि इसे हम थ्री सेल कब बोलेंगे, तो आपको पता होगा बेटा जी क्या रीजन है इसे हम थ्री सेल बोलेंगे। तो इसमें जो जनरेटिव सेल है इसमें डिवीजन हो रहा, सेल डिवीजन, दिस टॉपिक स्टडी क्लास 11, एंड सेल डिवीजन इट इज़ टू टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो मे बी इंक्लूड एज द माइटोसिस डिवीजन, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डिवीजन हो गया, और कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। और जब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इसे हम क्या बोल देंगे, थ्री सेल कंडीशन। तो इट्स द मेन रीजन पॉलिन ग्रेन्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड थ्री सेल कंडीशन। ओके,
तो आज के टॉपिक पे आते हैं। ये तो आज गूगल मीट क्लास का टॉपिक था कि ये क्वेश्चन भी मैंने पूछे थे आप लोगों से। अब यहाँ पे बात मैं जो कर रहा हूँ, ये टॉपिक है आर्टिफिशियल। देखिए जहाँ पे बात हुई आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस तो हो नहीं रही, और टॉपिक क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मिक्स, आर्टिफिशियल ओके। तो टॉपिक क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टू डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्या रीजन है हम लोग यूज कर रहे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कुछ प्लांट होते हैं उनमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, तो यदि हमें सपोज आप देखते हैं फ्लावर्स हैं, अब उनमें हमें अच्छे कलर फॉर्म करना है या प्रोडक्शन बहुत अच्छा करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दीज स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक। एंड दीज स्पेशल टेक्निक इट इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड। एंड फर्स्ट टेक्निक यहाँ पे आएगी इमेस्कुलेशन, ध्यान रखिए क्या है ये, बोलिए इमेस्कुलेशन, समझ रहे हैं, प्रॉपर तरीके नोट्स बनाइए ठीक। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। बात हो रही है इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन दिस प्रोसेस ऑकर्स बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पे बात आ रही है भाई बाईसेक्सुअल क्या है, बाई जो मींस बोथ द गैमेट्स प्रेजेंट वन इंडिविजुअल, दोनों गैमेट्स कहाँ पाए जा रहे हैं, वन इंडिविजुअल में ओके। सो बोथ द गैमेट्स प्रेजेंट वन इंडिविजुअल। इमेस्कुलेशन क्या है, फ्लावर, फ्लावर्स में क्या दोनों पार्ट हैं, यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन, ये मेल पार्ट है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, ये तो एंथर है। तो इसमें कंडीशन क्या, बोथ द पार्ट्स प्रेजेंट वन इंडिविजुअल, इट मीन्स बाईसेक्सुअल ओके। तो इसमें क्या, एंथर को मैच्योर होने के पहले इसे अलग कर लेना। तो मैस्कुलेशन प्रोसेस इट इज ऑकर्स बाईसेक्सुअल फ्लावर, एंथर आर रिमूव बिफोर द डिहाइसिस ऑफ पॉलन ग्रेन। एंथर को हम अलग कर रहे हैं बिफोर द डिहाइसिस ऑफ, सो एंथर आर रिमूव बिफोर द डिहाइसिस ऑफ पॉलन ग्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन, मतलब समझ रहे हैं आप, हम एंथर को अलग कर रहे हैं। अब जब एंथर अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे भाई क्या बचेगा, स्टिग्मा ही तो बचेगा, एक पार्ट को आपने अलग कर दिया, यहाँ पे एंथर है ठीक। जब एंथर को हमने अलग किया विद द हेल्प ऑफ फोर्स से, चिमटी से अलग किया, तो यहाँ पे क्या बचा, स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा को कवर्ड कर दिया एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बना होना चाहिए बटर पेपर से, बटर पेपर होते हैं, तो जब आपने इसे कवर्ड किया स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्यों कवर्ड किया, क्या रीजन है, बिकॉज अनवांटेड पॉलन ग्रेन कैन नॉट रीच द सरफेस ऑफ फ्लावर। अनवांटेड पॉलन ग्रेन से यहाँ ना आने पर, तभी तो कवर्ड किया। हर चीज़ का रीजन होता है, क्या रीजन है, व्हाट रीजंस स्टिग्मा बिकम कवर्ड, सो इट्स द मेन रीजन स्टिग्मा कवर्ड। क्या रीजन स्टिग्मा को कवर्ड कर रहे हैं,
because unwanted pollen grain cannot reach the surface of flower. This process it is called bagging. इसे क्या बोल देंगे? Bagging बोल देंगे. Bagging means this process occurs bisexual flower removal of anther before the diastasis of pollen grain. It means emasculation and covered bag-like structure. It is called bagging. Maybe becomes as the two condition. First condition emasculation and second condition bagging. तो bagging में हमने क्या किया? Covered किया. क्यों covered किया? Unwanted pollen grain cannot reach the surface of flower. Pollen grains यहाँ ना पहुँचने पाए. ठीक है, ये तो हो गया भाई. पॉलिंग ग्रेन्स यहाँ नहीं पहुँचने पाए. पॉलिंग ग्रेन्स को यहाँ हम नहीं पहुँचने दे रहे हैं. अब हम एक अच्छी स्पीसीज के पॉलिंग ग्रेन्स यहाँ पे लाए. ये समझ लीजिए आपको राट का फ्लावर है. अब मैंने कहा कि हमें यहाँ पे जो प्रोडक्शन करना है अच्छी स्पीसीज का करना है यहाँ पे. तो हम गए कहाँ पे? जम्मू कश्मीर. वहाँ पे किसी फ्लावर के पॉलिंग ग्रेन्स लाए और उन पॉलिंग ग्रेन्स को हमने यहाँ पे डस्टेड कर दिया, इसको अलग किया. और जब बैग लाइक स्ट्रक्चर को आपने अलग किया तो इसे बोलते हैं रीबैगिंग. क्या बोलेंगे? रीबैग्ड. ये बैगिंग है, ये रीबैग्ड है. तो इसको स्ट्रक्चर को जब आपने अलग किया तो इसे बोलते हैं हम रीबैग्ड. ओके, तो जैसे ही आपने इसे अलग किया तो यहाँ पे हम ट्रांसफर क्या कर देंगे? डिजायर्ड पॉलिंग ग्रेन्स. और जब डिजायर्ड पॉलिंग ग्रेन्स यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, सो दीज डिफरेंट टेक्निक इंक्लूड एज अ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये डिफरेंट टेक्निक, ये डिफरेंट टेक्निक इसमें है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये आज की क्लास का मेन टॉपिक है. इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और कॉपी में इसके नोट्स बनाने हैं और ज़्यादा क्वेश्चन सर्च कीजिए और अच्छे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. ओके, सो द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड थ्री टर्म्स. फर्स्ट इमेस्कुलेशन, सेकेंड बैगिंग और थर्ड पॉइंट रीबैग. सो दीज थ्री टर्म्स, दीज थ्री पॉइंट इंक्लूड एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ओके, और तीनों आपको समझ में आ गया होगा और ये टर्म्स भी समझ में आ गई होगी. बाइसेक्सुअल, सो द बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ द गैमेट्स प्रेजेंट वन इंडिविजुअल. बाइसेक्सुअल भी कहते हैं या इसी को बोलते हम, बताइए. इसको बोलेंगे हम हर्माफ्रोडाइट. ये चैप्टर फर्स्ट में आपने स्टडी किया होगा. हर्माफ्रोडाइट का मीन्स क्या होता? बोथ द गैमेट्स प्रेजेंट वन इंडिविजुअल. दोनों गैमेट्स एक ही में हैं. ओके, तो बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट एंड एक टर्म्स होती है मोनोसियस एंड डाइसियस. मोनोसियस मीन्स दोनों गैमिट्स का एक ही में पाया जाना और डाई मतलब क्या हुआ? डाई मीन्स गैमिट्स आर सेपरेट. ओके, तो इस टर्म्स को आप समझना आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड एज द थ्री टर्म्स. फर्स्ट इमेस्कुलेशन, सेकेंड पॉइंट बैगिंग एंड थर्ड पॉइंट रीबैगिंग. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इमेस्कुलेशन.
सेकेंड पॉइंट बैगिंग, एक एक टर्म्स माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे रटने वाला सिस्टम फिनिश है। ये डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पा रहे हैं। ओके, इमैस्कुलेशन दिस प्रोसेस ऑलवेज ऑकर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड दिस प्रोसेस कैन नॉट ऑकर्स यूनिसेक्सुअल। सिंपल आंसर, गिव रीजन, दिस प्रोसेस ओनली ऑकर्स बाइसेक्सुअल एंड व्हाई नॉट दिस प्रोसेस कैन नॉट ऑकर्स यूनिसेक्सुअल। यू नो एज द दिस प्रोसेस इंक्लूड रिमूवल ऑफ एज द वन पार्ट एंड जनरली यू नो एज द यूनिसेक्सुअल इंक्लूड ओनली वन पार्ट। यदि आपने वहां से एक पार्ट को अलग कर लिया तो कोई मीन्स ही नहीं होगा, जबकि यहाँ पे बात हो रही है बाइसेक्सुअल। एक पार्ट्स को वहाँ से अलग किया, अनदर पार्ट तो है वहाँ पे, तो बाइसेक्सुअल इंक्लूड बोथ द गैमेट्स प्रेजेंट वन इंडिविजुअल, दोनों गैमेट्स वन इंडिविजुअल में। ओके, तो इससे यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आया आपका इमैस्कुलेशन। अब यहाँ पे एक टॉपिक रहता, हाँ भाई आर्टिफिशियल हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं। सिंपल, क्योंकि वहाँ पे हमें बेटर स्पीसीज फॉर्म करना है। हाइब्रिड, हाइब्रिड इंक्लूड मिक्स, सपोज टॉल एंड ड्वार्फ, देन क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ, देन ऑब्टेन हाइब्रिड स्पीसीज। तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब क्या है, वहाँ पे जो वैरायटी है वो सुपीरियर होती है, सुपीरियर वैरायटी ऑब्टेन, एंड सुपीरियर वैरायटी ऑब्टेन देन यूज एज द हाइब्रिड टेक्निक। यहाँ पे यूज़ करें हम हाइब्रिड टाइप ऑफ टेक्निक, हाइब्रिड टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। और यदि ऑब्जेक्टिव आ गया कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड क्या क्या कौन कौन सी टेक्निक आएगी, ऑप्शन दे दिया, इमैस्कुलेशन, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रोयनी, पार्थिनोकार्पिक। तो यहाँ पे यदि आपको राइट आंसर पता है तो आप आंसर दे देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट इमैस्कुलेशन, सेकंड बैगिंग और थर्ड पॉइंट रीबैग। टॉपिक को लास्ट तक आप लोग वॉच कीजिए, क्योंकि क्या पता किस कंडीशन में कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बता दिया जाए, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, इसी के पीछे एक टॉपिक था आपका पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन मीन्स पॉलिन ग्रेन रीच द सरफेस ऑफ पिस्टिल, पॉलिन ग्रेन का पिस्टिल तक आना। पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मीन्स ही है, अब डिपेंड करता है पॉलिन ग्रेन राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप। राइट टाइप पॉलिन ग्रेन कॉम्पिटिबल, बट रॉन्ग टाइप पॉलिन ग्रेन्स इट इज इनकॉम्पिटिबल। कॉम्पिटिबल, कॉम्पिटिबल मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा उसे स्टिग्मा। यदि वहां पे बात है सेम स्पीसीज, ओके, तो वहां पे क्या बोले कॉम्पिटिबल, बट यदि कंडीशन आती है डिफरेंट स्पीसीज तो उसे क्या कहेंगे, इनकम्पेटेबल। तो पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन मीन्स पॉलिन ग्रेन रीच द सरफेस ऑफ फ्लावर, पॉलिन ग्रेन्स राइट टाइप कॉम्पेटेबल, एंड पॉलिन ग्रेन्स यदि रॉन्ग टाइप के होते हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे, इनकम्पेटेबल। ओके,
और मैंने पहले ही ओला लिंक उन्हीं को सेंड की जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो पहले स्कूल आइए और रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या था, राइट टाइप एंड रॉन्ग टाइप। राइट टाइप मीन्स कॉम्पिटेबल, जैसे टोमेटो है, टमाटर उसी के पॉलिंग है, उसी प्लांट तक पहुँच रहे हैं, दूसरे प्लांट है मीन्स टमाटर के, तो कंपेटेबल होगा। बट टमाटर में यदि बैगन के पॉलिंग ग्रेन्स पहुँचते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इनकम्पेटेबल। ओके ओके, और कल का टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग पहले से स्टडी कर लीजिए। कल का टॉपिक रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन, इसको आप लोग पहले डीपली स्टडी कर लीजिए, तो इसको फिर आप लोग को ये टॉपिक क्लियर समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई की इसका मेन टारगेट ही क्या होता है। जैसे बोल दिया गया हाँ आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, तो उस चैप्टर को आप पहले डीपली स्टडी कर लो, और जब यहाँ बताया जाएगा तो उस वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और पीछे के टॉपिक रिवाइज करते रहिए। जैसे यहाँ पे था, इसके पहले था आउट ब्रीडिंग डिवाइस, दो कंडीशन होते हैं इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड आउट ब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया, इन मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा, और आउट ब्रीडिंग मतलब जहाँ पे बात हो रही है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन्स एंथर से कहाँ पहुँच रहे, स्टिग्मा तक जा रहे हैं, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन आर टू टाइप, जो आप पहले भी स्टडी करते रहे, ऑटोगैमी, ठीक है, दूसरा क्या जीटेनोगैमी, और लास्ट क्या जीनोगैमी। इसको पहले आपने स्टडी किया हो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पहले क्या स्टडी किया सेल्फ, बाद में क्या स्टडी किया क्रॉस पॉलिनेशन। या भी क्या आ जाएगा पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ एंड क्रॉस एंड पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, आफ्टर पॉलिनेशन ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये आपको पता भी होगा, एक डायग्राम बताया था मैंने, पॉलिन पिस्टन इंटरेक्शन बताया था। जैसे यहाँ पे पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक आते हैं तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन। ओके, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होते हैं, और इन पॉलन ट्यूब में जो आते हैं मेल गैमेट्स, सो द पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ पहुँचे, स्टिग्मा तक, तो इससे बोला जाता है पॉलिनेशन। ओके, तो कल की क्लास में स्टार्ट करें टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और जो रिंग है उस रिंग को क्लिक कर दीजिए आप लोग जिन्होंने अभी तक क्लिक नहीं किया है। ओके, थैंक यू।